हेलो दोस्तों, हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो पूरे इंडिया से आते हैं और विदेश से आते हैं जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस से सफर करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे मरीज होते हैं और व्यूअर्स होते हैं जिनको पैंक्रियास के बारे में, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। सो आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे डॉक्टर अमित जावेद सर के साथ, जो हमें क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के बारे में बताएंगे। हेलो सर। हेलो सर, हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस? तो दोस्तों, जैसे डॉक्टर नरोला ने बताया कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हमारे देश में एक बहुत कॉमन बीमारी है, ना केवल हमारे देश में बट आसपास के देशों में। हमारे पास पेशेंट्स नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, जो सारे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ से बहुत सारे पेशेंट्स हमें प्रश्न भेजते हैं, हमसे अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। और जो बीमारी जिससे वो सफर कर रहे होते हैं, जिससे वो पीड़ित होते हैं, उस बीमारी को कहते हैं क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। तो ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस क्या है? तो क्रॉनिक वर्ड का मतलब है लंबे टाइम वाली कोई चीज, पैंक्रियाटाइटिस मतलब है पैंक्रियाज में सूजन। तो अगर पैंक्रियाज में सूजन लंबे समय तक चलती हुई आए तो इसको हम क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में पैंक्रियास की सूजन की वजह से यूजली पैंक्रियास सुकुड़ जाती है, हार्ड हो जाती है, पैंक्रियास में स्टोन बन जाते हैं और पैंक्रियास अपना फंक्शन जो है वो ठीक से नहीं कर पाती है। जैसे हमको पता है दोस्तों कि पैंक्रियास के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले पैंक्रियास खाने के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक पाचन का ऑर्गन है, बहुत तरह के जूसेस बनाती है और इन जूसेस से खाने का पाचन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो फूड का जो कंपोनेंट है, जो फैट है, तो फैट के डाइजेशन के अंदर पैंक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पेशेंट्स में फैट का मैल अब्सॉर्प्शन होता है। दूसरा पैंक्रियास का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है, वो बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाती है, उनमें से एक हॉर्मोन इंसुलिन शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करता है। तो यूजली पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं। सर, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस क्यों होता है, क्या कारण होता है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस? तो दोस्तों, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का, वो है अल्कोहल का कंसम्पशन। तो जो लोग लंबे टाइम से शराब का सेवन करते आए हैं उनके अंदर ये बीमारी कॉमनली देखी जाती है। पर डॉक्टर नरोला, हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी अल्कोहल पी ही नहीं है, या अडल्ट्स होते हैं, लेडीज होती हैं जिन्होंने कभी अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाया है और तब भी वो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस से सफर कर रहे हैं। तो सिर्फ दोस्तों अल्कोहल ही कारण नहीं है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का, और भी कुछ कारण है। तो ये क्या कारण है? ये कारण हो सकते हैं, एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल पैंक्रियाटाइटिस। तो ये ट्रॉपिकल पैंक्रियाटाइटिस यूजली साउथ इंडिया में देखी जाती है, जहाँ पर ट्रॉपिकल वेदर होता है, कुछ कंपाउंड्स के साथ इसका रिलेशनशिप देखा गया है, यंग एज में देखा गया है, डायबिटीज ज्यादा इन पेशेंट्स के अंदर कॉमन होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जेनेटिक है ना, अगर छोटे बच्चे में क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है तो कुछ जीन की म्यूटेशंस हो सकती हैं, जैसे कि स्पिंक जीन, CFTR जीन, बहुत तरह की जीन्स होती हैं, उसके अंदर बदलाव की वजह से क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस ऑटोइम्यून बीमारी भी हो सकती है। तब ये ऑटोइम्यून का क्या मतलब है? ऑटोइम्यून का मतलब ये है कि शरीर पैंक्रियास, अपना शरीर खुद ही पैंक्रियास से लड़ाई करना शुरू कर देता है, तो अपने ही सेल्स पैंक्रियास को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। कभी कभी इतने सारे टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद भी कोई कारण ही पता नहीं चलता, तो इस चीज को हम इडियोपैथिक पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। कई पेशेंट्स को दोस्तों अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है। तो अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का डॉक्टर नरोला सबसे कॉमन कारण है गॉल ब्लैडर में स्टोन। तो अगर किसी इंसान को बार बार अक्यूट अटैक्स हो रहे हैं पैंक्रियाटाइटिस के, तो लॉन्ग टर्म में जाके ये भी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। सबसे पहले फैट का डाइजेशन। तो अगर फैट का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा
तो पेशेंट्स यूजली कंप्लेन करते हैं कि उनका जो स्टूल होता है वो बहुत ऑयली स्टूल होता है, तो अपने स्टूल में देखते हैं कि तेल तैर रहा है, या स्टूल बहुत फाउल स्मेलिंग स्टूल होता है, फ्लश करने में दिक्कत होती है, तो इस सिम्टम को स्टीटोरिया कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो शुगर कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो काफी सारे पेशेंट्स को पैंक्रियाज के डैमेज की वजह से डायबिटीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम इन पेशेंट्स में होता है वो होता है पेट में दर्द। अब दोस्तों ये जो दर्द है ये बड़ा एक टिपिकल तरह का दर्द होता है, पेट के ऊपरी हिस्से पे होता है और रेडिएट करता है बैक की तरफ, तो ऊपर से यहाँ से शुरू होकर पीठ की तरफ ये दर्द जाता है, कभी कभी शोल्डर की तरफ भी जा सकता है। और डॉक्टर नरुला, कई पेशेंट्स में ये इतना सिवियर होता है कि उनकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, उनको बार बार हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है, बार बार वो इंजेक्शन लगाते हैं, बाद में जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है ये इंजेक्शन भी काम नहीं करते हैं, तो कई बार उनको नशे तक के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं पेन को कंट्रोल करने। सर इसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें, कैसे पता चले किसी पेशेंट को कि उनको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस? ओके, तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के लक्षण हैं कि आपको पेट में दर्द है, आपको डायबिटीज है और आपको आप वीक हो रहे हैं, फैट को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्टीटोरिया हो रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, अगर हम पेट के टेस्ट बताएं तो सबसे इम्पोर्टेंट दो टेस्ट है, पेट का सीटी स्कैन और पेट का एक एमआरआई जिसको हम एमआरसीटी कहते हैं। कुछ और टेस्ट भी हम कर सकते हैं जो हमको इनडायरेक्ट हिंट्स दे सकते हैं, हम स्टूल में फैट की टेस्टिंग कर सकते हैं, तो अगर 24 आवर्स में फैट का बहुत ज़्यादा मैल अब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इट कुड बी अ मार्कर कि पेशेंट को क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है, किसी पेशेंट के शुगर लेवल्स बहुत हाई आ रहे हैं तो इट कुड ऑल्सो बी एन इनडायरेक्ट मार्कर दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। तो दोस्तों काफी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि सर हमें क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है, हमें तो कोई सिम्टम ही नहीं है। तो सिम्टम नहीं है बहुत अच्छी बात है, बट दोस्तों आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस जो है बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है। तो एक तो हमें पता है कि कई बार पेशेंट्स को बहुत रिफ्रैक्टरी पेन होता है, कि जो पेन है इतना जबरदस्त होता है कि वो किसी भी चीज से रिस्पॉन्ड नहीं करता। पेशेंट्स को बहुत खराब वाली डायबिटीज होती है, ये तरह की कॉम्प्लिकेशन है पैंक्रियाटाइटिस की। पैंक्रियाटाइटिस लोकल कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, कभी कभी पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रियाटिक जूस इकट्ठा होकर गुब्बारा बना देते हैं जिसको हम पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट कहते हैं। अब जो ये सूडोसिस्ट है ये खाने की थैली को कंप्रेस कर सकती है जिसकी वजह से पेशेंट को भूख लगनी बंद हो जाती है। कभी कभी सूजन की वजह से आसपास के स्ट्रक्चर्स डैमेज होने लगते हैं, किसी की पित्त की नली सिकुड़नी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उसको जॉन्डिस हो सकता है। कई लोगों का खाने का रास्ता सिकुड़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उनको ड्यूओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, स्टमक में ऑब्स्ट्रक्शन, उल्टियाँ आना, इस प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। आसपास खून की बहुत इंपॉर्टेंट नसें जाती हैं, तो अगर कोई वेन कंप्रेस हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसके अंदर खून की नसों के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। और कभी कभी खून की नसों के अंदर गुब्बारे तक बन सकते हैं जो फूट के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी कॉज कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दोस्तों आपको याद रखनी है कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस एक प्री कैंसरस कंडीशन है, ये विद टाइम अगर प्रॉपरली इलाज नहीं हो रहा है, सूजन कंटिन्यू हो रही है, तो ये पैंक्रियाज कैंसर का भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। सर क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस को मैनेज कैसे करेंगे जो पेशेंट आपके पास आएंगे, तो आप क्या एडवाइस करते हैं? तो जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है इसका मैनेजमेंट अगर हम डिवाइड करें तो हम कुछ पार्ट्स के अंदर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा हम कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरा हम कुछ इंटरवेंशन प्रोसीजर्स, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चौथा हम एंडोस्कोपी से कुछ तरह के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, और पांचवा कुछ पेशेंट्स के अंदर सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों ये चीज़ तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैंक्रियाज के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन,
शुगर कंट्रोल और फैट का डाइजेशन। तो खाने पीने में शुगर की मात्रा कम रखिए। अगर आपका पैंक्रियाज में आप ऑलरेडी डायबिटीज हो चुकी है या आप प्री डायबिटिक है तो पैंक्रियाज पे जोर मत डालिए, मीठी चीजें कम खाइए। दूसरा, ऑयली फैटी तली हुई चीजें, घी तेल वाली चीजों का सेवन आप बिल्कुल कम करिए, क्योंकि ये भी आपकी पैंक्रियाज के ऊपर जोर डालेंगे। तीसरी चीज, जिन लोगों को पेट में दर्द होता है ना, एक तो ये है कि हमें कारण जो अल्कोहल है वो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का इम्पोर्टेंट कारण है, तो बिल्कुल इमीडिएटली अल्कोहल को स्टॉप करिए, क्योंकि अगर आप अल्कोहल को स्टॉप नहीं करेंगे तो आपका पैंक्रियास का डैमेज जो है वो चलता जाएगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिन पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में पेन होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है टोबैको कंजम्पशन। तो ये जो तंबाकू है या टोबैको है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो एक च्यूइंग के फॉर्म में हो, मसाला के फॉर्म में हो, तो टोबैको इन ऑल फॉर्म्स यू शुड अवॉइड, इसका सेवन आप बिल्कुल मत करिए। तो अल्कोहल अवॉइड करिए, तंबाकू अवॉइड करिए, मीठी चीजें मत लीजिए, तली हुई चीजें, फैटी चीजें मत लीजिए। अब हम आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर हम कुछ दवाइयां देते हैं जो कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहे गए हैं कि ये पैंक्रियास की सूजन को कम करते हैं। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर बीमारी लिमिटेड होती है। अब हम पैंक्रियास की अगर पार्ट्स की बात करें तो पैंक्रियास का राइट साइड में पैंक्रियास का हेड होता है, फिर उसका सेंटर में बॉडी होती है और लेफ्ट साइड में टेल होती है। तो अगर किसी की बीमारी प्रिडोमिनेंटली राइट साइड में है, पैंक्रियाटिक हेड में है, वहां पर स्टोन्स है, वहां पर स्ट्रक्चर है, तो इन पेशेंट्स को एंडोस्कोपी के द्वारा भी मैनेज किया जा सकता है। तो जो एंडोस्कोपी विधि है इसके अंदर अगर किसी इंसान को पैंक्रियाटिक डक्ट में स्ट्रक्चर बन जाए या पैंक्रियास के हेड में स्टोन्स बन जाए, तो कई बार एक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से इन स्टोन्स को तोड़ा जा सकता है और उनको निकाला जा सकता है। बट डॉक्टर नरुला, यूजुअली जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी है वो डिफ्यूजली पैंक्रियास को इन्वॉल्व करती है, थ्रू आउट द पैंक्रियास होती है, तो वो हेड को भी इन्वॉल्व करती है, नेक को भी इन्वॉल्व करती है, बॉडी को भी इन्वॉल्व करती है और टेल को भी इन्वॉल्व करती है। तो इन पेशेंट्स में सिर्फ एंडोस्कोपी जो है उससे पेशेंट्स ठीक नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, इन पेशेंट्स के अंदर जो इलाज किया जाता है वो सर्जरी से इलाज किया जाता है। अब जो सर्जरी होती है उस सर्जरी को हम पैंक्रियाटिकोजेजनोस्टमी सर्जरी करते हैं कहते हैं। इस सर्जरी के अंदर हम पूरी पैंक्रियास के डक्ट को खोलते हैं, उस डक्ट के अंदर से जितने सारे स्टोन्स हैं उन सब स्टोन्स को हम रिमूव करते हैं। हमारे पास दोस्तों पूरे देश से पेशेंट्स आते हैं जिनके पैंक्रियास में स्टोन्स हैं। अभी हमारे पास डॉक्टर नरुला, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले एक झारखंड से एक लड़की आई थी और हमने उनको एक हमने वीडियो भी बनाया था उसका, उसके आउटकम का कितने सारे स्टोन्स थे। पर अगर आपको याद हो हमारे पास एक और लेडी आई थी जिनके पैंक्रियास से हमने जायंट स्टोन निकाला था, ऑलमोस्ट इतना बड़ा स्टोन पैंक्रियास से हमने निकाला था। तो अगर दोस्तों आप चाहें तो ये हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, जो लड़की जिसके पैंक्रियास से इतने सारे स्टोन्स निकले या एक लेडी जिनके पैंक्रियास से जायंट स्टोन निकला, तो हमारे पुराने वीडियोस में जाके आप इन पेशेंट्स के वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था, सर्जरी में हम पैंक्रियाटिक डक्ट को खोलते हैं, उसमें से सारे पैंक्रियास के स्टोन्स को हम निकालते हैं और फिर हम पैंक्रियाटिक डक्ट को इंटेस्टाइन के साथ जोड़ देते हैं ताकि पैंक्रियाटिक जूस अनइंटरप्टेड वे में इंटेस्टाइन्स के अंदर डायरेक्टली फ्लो कर सके। तो जो इसका इलाज है दोस्तों वो कन्वेंशनली, अब आप लोगों को ये समझना है कि कम सर्जन्स हैं पूरे कंट्री के अंदर जो पैंक्रियास की सर्जरी करते हैं, क्योंकि जो पैंक्रियास की सर्जरी है वो एक स्पेशलाइज सर्जरी है, हर सर्जन जो है वो पैंक्रियास को ट्रीट नहीं करता। अब उसमें भी जो सर्जन्स जो पैंक्रियास को ट्रीट करते हैं, बहुत ही फ्यू सर्जन्स हैं हमारे कंट्री में, आई थिंक प्रोबेबली इन द वर्ल्ड, जो इस सर्जरी को लैप्रोस्कोपिकली करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास पूरे इंडिया में, आई थिंक प्रोबेबली पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपीरियंस है ऑफ ट्रीटिंग क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस विद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो हम क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस को, बहुत कम सर्जन ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो लैप्रोस्कोपी से करते हैं,
और हमारी टीम उनमें से एक है जो हम पूरे ऑपरेशन को हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से क्या एडवांटेज होता है? तो एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि पेट में बहुत छोटे छोटे से कट्स आते हैं, कोई बड़ा चीरा नहीं होता और पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं दोस्तों तो हम एक बहुत ही मैग्निफाइड विजन, 3D विजन में हम आपकी पैंक्रियास को देखते हैं, हमको चीजें बहुत क्लियर दिखती हैं, हम सारे स्टोन्स कहीं इधर छोटे डक्ट में स्टोन पड़े हैं उनको भी आसानी से हम निकाल लेते हैं और बिना ज्यादा ब्लड लॉस के हम बहुत सुंदर से इस पूरी सर्जरी को अंजाम देते हैं। पेशेंट्स, अगर आपको याद हो, डॉक्टर नरुला, अभी हमारे पास एक मुंबई से लड़का आया था, वो लड़का क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस से प्रभावित था, उसका भी वीडियो अगर आप देखेंगे हमारे पुराने वीडियोस में आपको दोस्तों मिलेगा। ये लड़का अपने पेरेंट्स तक को नहीं बता के आया था, उसको जब उसने हमारा वीडियो देखा उसको इतना कॉन्फिडेंस आया दैट ही केम डायरेक्टली सीधे हमारे पास मुंबई फ्लाइट पकड़ के यहाँ पर आया और सर्जरी के बाद उसके फादर उससे मिलने के लिए आए। 3 से 4 दिन के बाद फिर हमने उसको वापस भेज दिया। यूजली 3 to 4 days हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है और बहुत फास्ट रिकवरी हो जाती है और पेशेंट्स की जो आउटकम होती है वो बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतनी डिटेल्ड डिस्कशन जो आपने आज पेशेंट्स को बताए हैं, जो भी एडवाइस दिया है उनको, उनसे वो काफ़ी सहमत होंगे, फ़ायदे में रहेंगे और किसी को भी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की तकलीफ होगी तो आपके पास ज़रूर आएंगे, बिकॉज मैंने खुद ने अपने आपके आपने जो ऑपरेट किए उनकी रिकवरी देखी है पेशेंट्स की और वो बहुत जल्दी रिकवर होते। तो दोस्तों अगर आप क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस से सफ़र करते हैं या आपके परिवार या आपके मित्र इस बीमारी से परेशान हैं तो आप ज़रूर उनको हमारा ये वीडियो शेयर करें ताकि वो देखें इस चीज़ को और इस बीमारी के बारे में वो समझें कि किस तरह से इस बीमारी को ट्रीट किया जाता है, किस तरह से इससे निजात पाई जाती है। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो हम शायद मिस कर रहे हों और अगर आपको कोई प्रश्न है कुछ क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जो नीचे एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के ऊपर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज हमको भेज सकते हैं, हम हैप्पी होंगे उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। हम अपने दिन में डॉक्टर नरुला और मैं बहुत टाइम निकालते हैं, हम सब आपके कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और हम बहुत खुश होते हैं जब आप लोगों को, आप हमारे वीडियोस को, हमारे एफर्ट को आप अप्रिशिएट करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं इस वीडियो में तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम हर वेरी फ्रीक्वेंटली आपके पास न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहें।